ACL इंजरी में नी स्लीव और नी ब्रेसेस का क्या क्या यूज़ होता है दोस्तों, क्या ये आपकी ACL इंजरी ठीक कर सकती है, कैसे पहनना है, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक आर्थरोस्कोपिक सर्जन और ACL एक्सपर्ट हूँ टीम ऑर्थो स्पोर्ट। दोस्तों जब आपको ACL इंजरी होती है तो आपके नी में एक बार काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, जब इंजरी होती है नी फूल सकता है, उसके बाद पेन कम हो जाता है धीरे धीरे, पर लचक आने लगती है, आपको लगता है घुटना फिसल रहा है। ACL इंजरीज के बारे में और पता करने के लिए हमने नीचे वीडियोस का लिंक दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो एक बार जब आपको ACL इंजरी होती है दोस्तों, अगर आपको हाई ग्रेड टीयर है, आपको ग्रेड 3 है, ग्रेड 2 हाई ग्रेड है, या फिर नियर कंप्लीट है, कंप्लीट टीयर है, इस कंडीशन में बहुत सारे डॉक्टर्स आपको नी ब्रेस देते हैं। नी ब्रेस एक लंबा ब्रेस होता है जो बिल्कुल आपके नी को सीधा रखता है और उसका जो मूवमेंट है वो प्रिवेंट करता है। चोट लगने के कुछ दिन तक आप नी ब्रेस पहन सकते हैं, पर नी ब्रेस पहनने से दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है कि जो आपकी जो नी है वो स्टिफ होने लगती है, दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जो थाई की मसल्स है वो वीक होने लगती है। तो ये दो चीज़ें नी ब्रेस की ख़राब है। तो कितने दिन नी ब्रेस पहनना है ACL इंजरी के बाद, ये डिपेंड करता है कि आखिर आपको अकेले ACL की इंजरी है, आपको कितना दर्द है, सूजन है, चलने में कितनी कठिनाई है, या आपको ACL के साथ और भी इंजरीज है, मेनिस्कस इंजरी है, MCL इंजरी है, LCL इंजरी है, PCL इंजरीज है। इन सबको इवेल्यूएट करने के बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको नी ब्रेस कितने दिन तक पहनना है, लगातार पहन के रखना है या नी ब्रेस पहनने के बाद मोड़ना है, पाँव वापस नी ब्रेस पहनना है, ये भी आपकी इंजरीज पे डिपेंड करता है। सो, कितने दिन तक नी ब्रेस पहनना है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी MRI किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट है, और वो डिसाइड करके बताएगा कि नी ब्रेस कब तक पहनना है। एक बार आपने नी ब्रेस पहना और अगर आप सर्जरी के लिए अभी तैयार नहीं है तो नी ब्रेस आपको जल्दी वीन करना है, मतलब जल्दी हटाना है ताकि आपकी मसल डेवलपमेंट चालू हो। नी ब्रेस हटाने के बाद हम रेंज ऑफ मोशन नी ब्रेस पहन सकते हैं या फिर हम नी स्लीव पहन सकते हैं, और उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस चालू होती है। जब आपने पहले इनिशियल फेज़ में नी ब्रेस पहना है तो भी आपको बहुत सारी तरह की एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है ताकि आपका जो नी है उसके अराउंड जो मसल्स रहती है, जो थाई मसल रहती है, वो डीजनरेट ना हो। अगर आपका हाई ग्रेड टीयर है और आप सर्जरी की तरफ जाते हैं जिसमें आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, क्योंकि दोस्तों ACL इंजरी एक बार हो जाए तो अपने आप ठीक नहीं होती है, उसके अंदर अगर कंप्लीट टीयर है तो हमें सर्जरी करानी पड़ती है। बहुत अलग अलग तरह की सर्जरीज होती है। सो, सर्जरी के बाद भी नी ब्रेस का रोल आता है। सर्जरी के बाद अगर आपकी कन्वेंशनल मेथड से सर्जरी हुई है तो जनरली 45 डेज तक आपको नी ब्रेस पहनना पड़ता है, जिसमें आपका पाँव सीधा रहता है, आप नी ब्रेस हटाते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, दोबारा आप नी ब्रेस लगा लेते हैं। उस 45 डेज के बाद आपको कुछ डॉक्टर्स रेंज ऑफ मोशन नी स्लीव देते हैं, कुछ डॉक्टर आपको रेंज ऑफ मोशन नी ब्रेसेस देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के डॉक्टर क्या चॉइस है। आपको धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन वाले ब्रेसेस में डाल के एक्सरसाइज करवाई जाती है। अगर आपकी सर्जरी ऑल इनसाइड विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से हुई है तो इस सर्जरी के अंदर दोस्तों हम आपका जो नया ग्राफ्ट है ACL का, वो ग्राफ्ट लगभग 6 महीने तक बड़ा कमज़ोर रहता है बॉडी के अंदर, तो उसको टूटने के चांसेस रहते हैं, स्ट्रेच होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो नया है, वो हैमस्ट्रिंग टेंडन से बना है। तो उस कमज़ोर चीज़ को हम एक फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से प्रोटेक्शन देते हैं। तो जब हम अंदर आपके नी के अंदर हमने एक नी ब्रेस बना दिया है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस का, तो आपको बाहर नी ब्रेस पहनने की नीड बड़ी कम हो जाती है। तो सिर्फ 3 वीक्स तक आपका नी ब्रेस रहता है। आपको रोज़ नी ब्रेस हटाना होता है, एक्सरसाइजेस करनी होती है, इसके अंदर आप 100 डिग्री पैर फर्स्ट डे से मोड़ सकते हैं और बिना सहारे आप चल सकते हैं। ACL सर्जरी के बाद ब्रेस कैसे पहनना चाहिए दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग नी एक्सटेंशन ब्रेस कुछ इस तरह का आता है। जब आपको चोट लगती है तो ब्रेस कैसे पहनना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कितने दिन तक पहनना है वो भी बता चुके हैं। अब आती है बात, आती है सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी के बाद आखिर ब्रेस कैसे पहने। सो, दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रेस में इस तरह का एक नेचुरल कर्वेचर है, ये चीज़ नी के पास आती है, नी पे आती है, ये थाई पे लगती है, ये नीचे शिन पे आती है, तो एक नेचुरल कर्वेचर है। ACL सर्जरी के बाद ACL हम इतना टाइट बनाते हैं कि उसकी टेंडेंसी होती है कि वो आपके घुटने को धीरे धीरे मोड़ती रहती है ऐसे। सो, अगर हम सर्जरी के बाद ब्रेस ना पहने तो हमारा घुटना ऐसे मुड़ा हुआ रहता है और सीधा नहीं होता, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। इसीलिए सर्जरी के बाद एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है प्रोन लेग हैंग्स, वो ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपका नी हमेशा स्ट्रेच्ड आउट रहे, सीधा रहे, वो इस तरह से मुड़े नहीं, FFD डेवलप ना हो। पर अगर आपके ब्रेस में भी इस तरह की फ्लेक्शन है तो ये चीज़ आपको FFD डेवलप करा देगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जब ACL सर्जरी होती है तो जो आपका ब्रेस है दोस्तों उसमें ये जो कर्व है ये कर्व नहीं होना चाहिए। तो जनरली हमारे जितने भी पेशेंट होते हैं हम उसमें से ये कर्व हम ओमिट कर देते हैं, मतलब इसको सीधा बना देते हैं। तो इस तरह से इस कर्व को हटा दिया जाता है ACL सर्जरी के बाद, ताकि जो आपका ब्रेस है वो बिल्कुल सीधा रहे और आपको FFD डेवलप ना हो।
इस तरह से इस ब्रेस को पूरी तरह से सीधा करके फिर पहना जाता है। ध्यान रहे कि ब्रेस का ये जो मोटा वाला पट्टा है, ये वाला, ये आपके नी के पटेला या उसके ऊपर आए। ज़्यादा ब्रेस थाई की तरफ रहना चाहिए, नीचे ज़्यादा नहीं घिरना चाहिए। तो ब्रेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऊपर चढ़ा होना चाहिए, और ये जो मोटा वाला पट्टा है ये आपके पटेला या उसके जस्ट ऊपर आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। दूसरा, ब्रेस पहनते समय बहुत ध्यान रखें कि आपका पाँव और नी, जो नी है वो बिल्कुल सीधा रहे। तो इसीलिए जब ब्रेस पहनते हैं तो जो एड़ी होती है वो हम रखते हैं तकिए के ऊपर। पेशेंट को कहा जाता है कि पंजा अपनी तरफ खींचे और नी को नीचे प्रेस करें ताकि नी पूरा स्ट्रेट हो, फिर ब्रेस बांधे। सो हमेशा अपने नी को स्ट्रेट करके ब्रेस बांधे। ब्रेस स्ट्रेट होना चाहिए, ब्रेस ऊपर होना चाहिए। अगर आपको चलते हुए दर्द हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि आपने ब्रेस ढंग से नहीं बांधा है। तो इसे ढंग से बांधें और उससे ACL पे स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। एक बार 3 वीक्स का आपका ड्यूरेशन ख़त्म होता है नी ब्रेस का, हम 3 वीक्स के बाद नी स्लीव रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, रिकमेंडेशन ये है कि जो नी स्लीव होती है उसके ऊपर एक सिलिकॉन का रिंग होता है पटेला के ऊपर, उस वही स्लीव लीजिए आप। वो क्या करती है, आपके पटेला को अपलिफ्ट करती है जब एक्सरसाइजेस करते हैं। और इस नी स्लीव के साथ हम एडवांस VMO एक्सरसाइजेस, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि आपको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला डेवलप ना हो। इसके अलावा आपको दोस्तों किसी भी अलग तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि आखिर बेस्ट ब्रेस क्या रहेगा, क्या हम सिर्फ स्लीव की मदद से और एक्सरसाइज की मदद से आपकी ACL हील कर सकते हैं या आपको सर्जरी की ज़रूरत है।